हेलो फ्रेंड्स वेलकम गिन टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के सेकेंड केस के बारे में जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी में से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब दो केसेस हैं फर्स्ट केस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है सेकंड केस आज हम एक्सप्लेन कर देंगे सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसमें आती है कि कैसे पता लगाएं कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस है या सेकंड केस है तो बहुत सिंपल है अगर तो न्यू पार्टनर की एडमिशन के टाइम पर वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये गिवन है तो इसका मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस है लेकिन अगर एडमिशन के टाइम पर न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये नहीं गिवन तो इसका मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस है तो आज के इस लेक्चर में हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है और हर बार लिखा जाता है न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेकिन आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए हमारी वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें सो so चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे सो so, ये है हमारे पास आज का क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे न्यू पार्टनर की कैपिटल का शेयर कैलकुलेट किया जाता है लेकिन ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम आज के मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें और आपको वो स्टेप्स डायरेक्टली सबसे पहले बता दें जिनको फॉलो करके आप न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं आज के इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे स्टेप्स आपको बताएंगे जिसकी हेल्प से आप यह क्वेश्चन इजिली क्विकली सॉल्व कर पाओ विदाउट एनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम लेकिन सबसे पहले हम उन स्टेप्स की बात करते हैं जो आज के इस लेक्चर का मेन मोटिव है यानी वो स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप न्यू पार्टनर की कैपिटल का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं सो स्टेप नंबर वन सॉल्व द क्वेश्चन नॉर्मली इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड इग्नोरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गिवन इन द्वेश्चन यानी आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करो जैसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन को पढ़ के ना टेंशन में आ जाते हैं घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हाय है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा तो टेंशन नहीं लेनी है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपको सोल्व करना है यानी जो भी एडजस्टमेंट्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई हैं आप उनको सॉल्व करो और जो कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन दी गई है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो सोचो ही ना कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है सो एट्टी परसेंट आपका वर्क वहीं पर हो जाएगा जब आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे यानी सबसे पहले आप रिवाल्युएशन अकाउंट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ बैलेंस शीट भी जैसे आप नॉर्मल बनाते हो वैसे बनाओ इतना करने के बाद स्टेप नंबर टू फाइंडिंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी एंट्रीज आनी थी ओपनिंग बैलेंस या फिर जो भी रिवैलुएशन का प्रॉफिट है या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल वर्कमैन कंपनसेशन फंड जनरल रिजर्व गुडविल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो सब आप ट्रीटमेंट कर चुके हो ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद आपको पता है कि पार्टनर्स के क्रेडिट साइड वाली आइटम्स प्लस की जाती हैं और डेबिट साइड वाली आइटम्स माइनस की जाती हैं तो आपको वैसे ही करना है यानी ओल्ड पार्टनर्स की जो भी क्रेडिट साइड की आइटम्स होगी वो प्लस करो डेबिट साइड की आइटम्स को माइनस करो जो अमाउंट आपके पास आएगी उसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल मान लो दो पार्टनर्स हैं पार्टनर ए और पार्टनर बी पार्टनर ए की क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आया सिक्स लाख और पार्टनर बी की क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आया फोर लाख। ऐसे ही पार्टनर ए की डेबिट साइड का टोटल आपके पास आया वन लैख और पार्टनर बी की क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास आया टू लैख इसका मतलब डेबिट साइड आप माइनस कर दोगे क्रेडिट साइड में से तो बैलेंस आपके पास जो बचेगा वो आएगा फाइव लैख और इसका आपके पास आएगा टू लेख सो स्टेप नंबर वन में आपको नॉर्मली क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है स्टेप नंबर टू पे आपको ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए जो कि नॉर्मली आप जैसे फाइंड आउट करते हो वैसे ही फाइंड आउट की जाएगी सो फाइव लैख एंड टू लैख इतना आ गया स्टेप नंबर थ्री में जो आपने एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट की है ओल्ड पार्टनर्स की उसको प्लस कर देना है so सो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइव लैख प्लस टू लैख टोटल so, आ गया सेवन लैक स्टेप नंबर थ्री भी इजी है थ्री के बाद स्टेप नंबर फोर जो आपने एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट की है ना सेवन लैक उसको आप मल्टीप्लाई करोगे रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल के साथ अब ये रिमेनिंग शेयर क्या होता है बहुत इजी है मान लो कि न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ था और उसको वन बाय सिक्स शेयर चाहिए था तो रिमेनिंग शेयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रिमेनिंग फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वन माइनस वन अपॉन सिक्स ये टोटल फॉर्म का शेयर इसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर क्योंकि ऑब्वियसली जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो फॉर्म के टोटल शेयर में से अपना हिस्सा डिमांड करता है तो माइनस किया जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव अपॉन सिक्स सो फाइव अपॉन सिक्स हमारे पास क्या है रिमेनिंग शेयर अब रिमेनिंग शेयर का हमें क्या चाहिए रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मीन ऑपोजिट सो मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव इसको सॉल्व कर देंगे मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव तो ये आ जाएगा एट लैख फोर्टी थाउजेंड तो ये जो एट लैख फोर्टी थाउजेंड है ना ये टोटल फर्म का शेयर है और इसमें से सी का शेयर कितना होना चाहिए वन बाई सिक्स तो हम मल्टीप्लाई करके इसके शेयर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं ये so ये आ जाएगा 1, 40, so ये हमने फाइंड आउट कर लिया न्यू पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल शेयर जो कि वो कंट्रीब्यूट करेगा सो so स्टेप्स बहुत ही आसान है नॉर्मली आपको क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना होता है वैसे ही करना है स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू पे आपको ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए जो कि नॉर्मली आप जैसे फाइंड आउट करते हो वैसे ही की जाएगी क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स प्लस करके डेबिट साइड में से माइनस करके जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी एडजस्टेड कैपिटल होगी ओल्ड पार्टनर्स की उन दोनों पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल को आप प्लस करोगे स्टेप नंबर थ्री प्लस करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है फर्म के रेसिप्रोकल शेयर के साथ ये स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं वो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी सेवन लैक मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन वन कर देते हैं तो ये गलत है हमें फॉर्म के रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल चाहिए जो कि इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा सो जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके टोटल फॉर्म के कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं

ज न्यू पार्टनर और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशू क्या होगी फोर थ्री थ्री so, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अगर तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशू दी हो न्यू रेशू ना दी हो ना ही कोई सेक्रीफाइजिंग के बारे में कहा हो तो ओल्ड रेशू ही हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशू बन सकती है लेकिन अगर ओल्ड रेशू के अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हमें सेक्रीफाइजिंग रेशू फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो इस क्वेश्चन में भी हमें न्यू रेशो गिवन है इसका मतलब सबसे पहले हमें सेक्रीफाइजिंग रेशू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी तो चलिए वर्किंग नोट्स में हम यहां पर सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशू फाइंड आउट करते हैं और सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सो पार्टनर ए और पार्टनर बी पार्टनर ए की ओल्ड रेशू हमारे पास है बाई फाइव और पार्टनर बी की ओल्ड रेशू हमारे पास है टू बाई फाइव माइनस कर देंगे इसमें से न्यू रेशो न्यू रेशू हमें गिवन है फोर बाय माइनस इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम हमारे पास टेन आ जाएगा सिक्स माइनस फोर यानी कि टू अपॉन टेन सिमिलरली इसका एलसीएम भी हमारे पास टेन आ जाएगा फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन टेन यानी सेक्रीफाइसिंग रेशू क्या है टू रेशू वन जिस रेशू में पार्टनर ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है उसी रेशो में न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आएगा और इन दोनों पार्टनर्स को पे करेगा तो चलिए क्वेश्चन में आगे आप देख सकते हो बैलेंस शीट हमें गिवन है बैलेंस शीट के जो इंटरनल आइटम्स है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम हर तरह की आइटम को इन्वॉल्व करके लेके आए आपको reserve, reserve, fund, goodwill, account, सारे ट्रीटमेंट्स यहां पर हमने कर दिए हैं so आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि जब भी जब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हो ना तो उस समय इन्वेस्टमेंट जरूर देख लीजिएगा क्योंकि फंड इसीलिए दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूज so, तो इसका मतलब फाइव थाउजेंड से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है अगर तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना दिया होता तो ये लॉस एसेट का कम होना लॉस होता है ना तो ये लॉस हम में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते लेकिन यहां पर हमें रिजर्व फंड दिया हुआ है इसका मतलब का हम इस में से करेंगे और बाकी का रिजर्व चलिए इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल हम यहां पर आ जाते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन जो सी की एडमिशन पे एग्री की गई थी कंडीशन नंबर वन सी कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल अब देखो पहले ही लाइन में कह दिया कि सी जो है वो कैपिटल लेकर आएगा कितने लेकर आएगा नहीं पता लेकिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा तो इसका मतलब ये कौन सा केस केस है two, है नंबर जिसमें न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आता गिवन नहीं होता आगे हमें कह रहे हैं सिक्सटी परसेंट ऑफ इ शेयर गुडविल इन कैश पार्टनर से गुडविल तो लेकर आएगा लेकिन सिक्सटी परसेंट कैपिटल तो लेकर आएगा गुडविल भी लेकर आएगा लेकिन सिर्फ सिक्सटी परसेंट कैश में लेकर आएगा बाकी फोर्टी परसेंट वो कैश में नहीं लेकर आएगा सो so, जो सिक्सटी परसेंट वो कैश में लेकर आएगा उसका ट्रीटमेंट हम प्रीमियम फॉर गुडविल के अकॉर्डिंग करेंगे और जो फोर्टी परसेंट वो कैश में नहीं लेकर आ रहा उसका ट्रीटमेंट हम करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे सो so, चलिए देखते हैं कि गुडविल कितनी है सेकेंड लाइन में हमें कह रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट टूर्य परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री कंप्लीटेड यानी यहां पर हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको आता होगा यहां पर हम लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास लास्ट थ्री ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें फोर लैक एटी थाउजेंड प्लस नाइन लैख थर्टी थाउजेंड प्लस वन लैख थर्टी एट थाउजेंड सॉरी थर्टीन लैख एट्टी थाउजेंड डिवाइड कर देंगे थ्री के साथ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है यानी नॉर्मली ये बिजनेस जो है वो फाइव लैख थर्टी थाउजेंड अर्न कर लेता है सो so, इसका एवरेज करने पे हमारे पास आ रहा है 9, 30, 000, 5, 30, so, ये आ जाएगा फोर लैख अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहां तक क्वेश्चन करके भूल जाते हैं ये फोर लैख सुपर प्रॉफिट है गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ अभी मल्टीप्लाई करना है सो मल्टीप्लाई टू ये आ जाएगा एट लैख अब यहां पर भी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ये एट लैख जो है वो सी की गुडविल का शेयर नहीं है ये पूरी फर्म का गुडविल है शेयर कैसे आएगा जितना उसका बिजनेस में शेयर है और वो हमें क्वेश्चन में गिवन थ्री बाय टेन तो ये आ जाएगा टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब टू लैख फोर्टी थाउजेंड का आपको पता होना चाहिए कि टू लैख फोर्टी थाउजेंड में से परसेंट वो कैश में लेकर आएगा और बाकी फोर्टी परसेंट वो कैश में नहीं लेकर आ रहा जो अमाउंट सिक्सटी परसेंट है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएगी यानी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशू में दी जाएगी सो so, टू लैख 40,000 का सिक्सटी परसेंट हमारे पास आएगा वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड और परसेंट हमारे पास आएगा 96,000 ये थाउजेंड यह वन लेख फोर्टी फोर थाउजेंड ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशू में जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था टू रेशन सो ये आएगा 96,000 एंड 48,000 और ये 40% परसेंट भी सेक्रीफाइजिंग रेशू में ही दिया जाएगा सो so, इसका आएगा सिक्सटी फोर थाउजेंड और यहां पर आएगा थर्टी टू थाउजेंड ये ए के लिए और ये बी के लिए ये ए के लिए और ये बी के लिए चलिए इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब हम फाइनली एसेट्स और लाइबिलिटीज को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने से पहले रिवैलुएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम ये एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक

अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती एडमिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे रिवैल अकाउंट बनाने के लिए फिर दोबारा क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक क्वेश्चन को तीन बार रीड करो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा सो so, इसलिए एक ही बार में रीड करो और साथ साथ तीनों अकाउंट बनाते जाओ जो आइटम जहां आएगी उसका इफेक्ट जहां जहां होगा उसको एक ही बार करते जाओ अब जैसे सबसे पहले मान लो हम लाइब्रिटी साइड से स्टार्ट करते हैं लाइब्रेटी साइड में जो भी आइटम दी हुई है वो जहां जहां आएंगी जिस तरह से आएंगी हम उसको वहां वहां लिखते जाएंगे तो सबसे पहले एस कैपिटल बीज कैपिटल वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टू लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड ये हमें पार्टनर्स कैपिटल में लिखनी है तो वेट मत करो कि पहले रिवैल्युएशन बनाएंगे उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे वेट मत करो पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट कर दो तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पार्टनर ए बी और न्यू पार्टनर सी ए बी एंड सी तो so, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एंड टू लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब इसके आगे मैंने टिक लगाया लगा इलेवन थाउजेंड हमें चाहिए मतलब बाकी नाइन थाउजेंड हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो चलिए कर देते हैं यहां पर हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाइन थाउजेंड फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स हंड्रेड बाकी हमें बैलेंस शीट में अभी चाहिए ना तो हम बैलेंस शीट में भी साथ में ही लिख देते हैं आप वेट मत करिएगा कि बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट भी आप साथ में बना दीजिए ये हमारी लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड So, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इलेवन थाउजेंड ओके सो कंप्लीट ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारा सॉल्व करना है आइटम्स को इग्नोर मत करो जहां जहां उसका ट्रीटमेंट है उसको कर दो नेक्स्ट हमारे पास था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब इसके आगे देखो मैंने एक एरो लगाया हुआ है क्यों क्योंकि यहां पर इसकी एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट कई बार आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी जाती है और कई बार विद इन बैलेंस शीट दी होती है जैसे हमें यहां पर गिवन है हमारी फाइव थाउजेंड से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है जिसमें से टेन थाउजेंड हमारे पास रिजर्व है तो टेन थाउजेंड में से फाइव थाउजेंड हम यहां से रिकवर कर लेंगे बाकी फाइव थाउजेंड हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशू में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सो so चलिए इसका ट्रीटमेंट भी हम कर देते हैं सबसे पहले यहां पर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फाइव थाउजेंड थ्री रेशू टू में तो थ्री थाउजेंड एंड टू थाउजेंड अब इन्वेस्टमेंट की भी हम यहां पर ट्रीटमेंट कर ही देते हैं यहां पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट न्यू वैल्यू है फोर्टी फाइव थाउजेंड तो वो हम यहां पर लिख देते हैं रिवैल्युएशन में फाइव थाउजेंड का लॉस हमने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सिंपल है हमारे पास रिजर्व था अगर ये रिजर्व ना होता तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट रिवैल्युएशन में करते चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अब ये आइटम हर बार आपको कंफ्यूज करेगी आपको हर बार लगेगा कि शायद इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेकिन ये इंप्लॉयज फंड है पार्टनर्स का नहीं है तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में लिखा जाएगा जब तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती सो जातीय प्रोविडेंट फंड ये एज इट इज हमें लिखना है थर्टी फोर थाउजेंड नेक्स्ट हमारे पास है सीज लोन. अब सीज लोन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई यहां पर भी नहीं दी यहां पर भी नहीं दी तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में अभी भी आएगा सी चाहे पार्टनर बन चुका है लेकिन उसका लोन थोड़ी हमने कन्वर्ट कर दी है सो ये एज इट इज यहां पर आएगा सो so, अब देखो लाइब्रेटी साइड हमने सारी रिकॉर्ड कर ली जो एडजस्टमेंट थी वो भी सारी कर ली अब लाइब्रेटी साइड को दोबारा हमें देखने की जरूरत नहीं है अब ऐसे ही आपको सारी एसेट साइड को सॉल्व करना है तो सीक्वेंस वाइज अगर चलोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर बीच बीच में से आइटम्स पिक करके चलोगे तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नेक्स्ट हमारे पास है गुडविल अब बैलेंस शीट के विदिन जो गुडविल दी होती है वो आपको पता है ओल्ड गुडविल होती है और ओल्ड गुडविल के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें ना दियो तो उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है सो थर्टी फोर थाउजेंड को हम राइट ऑफ कर देते हैं सो so, यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड टू थ्री रेशू टू में ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग अब इसके आगे एक टिक लगा हुआ है इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग हमारा थाउजेंड का है एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाई वैक मतलब हमने बाय चांस अपनी एसेट को सिक्सटी थाउजेंड का रिकॉर्ड कर दिया लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू वन लेख सिक्सटी थाउजेंड थी तो वन लेख से हमने अपने एसेट को कम रिकॉर्ड किया हुआ है अब इसका ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली रिवैलेशन में होगा और बैलेंस शीट में होगा रिवैलशन तो अकाउंट बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं यह डेबिट साइड और यह क्रेडिट साइड अब यहां पर आपको पता होना चाहिए एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हो रही है पहले ये सिक्सटी थाउजेंड थी तो एसेट का इंप्रूव होना प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग वन लैख सिमिलरली बैलेंस शीट में भी हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग वन लैख सिक्सटी थाउजेंड नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेटर्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटर्स हमारे पास वन लेख ,00 के हैं हमें प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर टेन थाउजेंड की अब मैंने टिक लगाया है यानी इसकी एडजस्टमेंट है सो तो एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं

5,000। सो so, इसका मतलब हमें डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन चाहिए वो कितनी चाहिए फाइव थाउजेंड न्यू प्रोविजन लेकिन ऑलरेडी हमने दस हजार की प्रोविजन तो क्रिएट की हुई है इसका मतलब हमारी प्रोविजन कम हो रही है पहले हम सोच रहे थे कि शायद दस हजार वाले डेटर्स हमें पैसा ना देंगे लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ फाइव थाउजेंड वाले थे तो डेटर्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है और एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिट होता है सो so, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है इसलिए हम इसको रिवैल्युएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइव थाउजेंड और क्योंकि डेटर्स एसेट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं इसलिए हम एसेट्स में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे सो so, डेटर्स जो कि वन लैख के हैं इसके ऊपर प्रोविजन अब सिर्फ पांच हजार की हमें चाहिए तो अब डेटर्स कितने रिकॉर्ड किए जाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक अब स्टॉक के आगे टिक लगा हुआ है यानी इसके एडजस्टमेंट है स्टॉक हमारे पास यहां पर शो कर रहे हैं थ्री लैक के एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई थर्टी वन थाउजेंड यानी गलती से हमने हमारे स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है तो कोई बात नहीं स्टॉक को कम कर देते हैं और स्टॉक एसेट होती है एसेट जब कम होती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है और लॉस को हम रिवैल्युएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं पर हम लिखेंगे टू स्टॉक कितनी वैल्यू से स्टॉक को कम करना है थर्टी वन थाउजेंड से अब क्योंकि स्टॉक ऑब्वियसली एसेट है तो बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड की जाएगी तो यहां पर हम लिखेंगे स्टॉक ओरिजिनली स्टॉक हमारा थ्री लैख का है इसमें से थर्टी वन थाउजेंड की वैल्यू हमें कम कर देनी है सब so, स्टॉक कितना रह जाएगा टू लैख सिक्स थाउजेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बैंक बैंक बैलेंस बैलेंस अब में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा गुडविल लेकर आएगा है ना तो वो एडजस्टमेंट अभी हमने करनी है तो इसको हम लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टेन थाउजेंड अब ये एक तरह से लॉस होता है तो लॉस को हम गुडविल की तरह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में सो so, ये आ जाएगा सिक्स थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड चलिए हमने बैलेंस लिख दिया हमने जो भी ट्रीटमेंट हमें गिवन थे वो सारे कर दिए अब एक लास्ट ट्रीटमेंट अभी हमारे पास जो बचा है वो है गुडविल अब न्यू पार्टनर आया है तो वो सैक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल तो देगा ना जो वो गुडविल कैश में लेकर आया है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल और जो कैश में नहीं लेकर आया उसके लिए करंट अकाउंट तो चलिए इसका ट्रीटमेंट भी हम कर देते हैं सो यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सो फर्स्ट शेयर हमारे पास आएगा नाइंटी सिक्स थाउजेंड और नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोर्टी एट थाउजेंड वो गुडविल है जो सी कैश में लेकर आया था और ए और बी को दे दिया गया अब करंट अकाउंट करंट अकाउंट का मतलब है कि है कि पार्टनर सी जो वो रिमेनिंग गुडविल का शेयर लेकर आएगा अभी लेकर आया नहीं है लेकिन जब भी आएगा तो लेकर आएगा टू तो थाउजेंड अब आपको पता होना चाहिए जो गुडविल वो लेकर आया है ये बैंक बैलेंस में ऐड होगी और जो वो नहीं लेकर आया जो करंट अकाउंट में वो बैलेंस शीट में एसिड साइड हम लिखेंगे क्योंकि चाहे लेकर नहीं आया लेकिन लेकर आएगा तो सही तो इसको भी हम लिख देते हैं बैलेंस शीट में यहां पर सीज करंट अकाउंट और जो वो कैश में लेकर आया वो हम बैंक बैलेंस में एड कर देंगे सो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी नाइनटी सिक्स थाउजेंड चलिए फाइनली हमारे पास जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में हम कर चुके हैं अब फाइनली अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि ए और बी की कैपिटल एडजस्टमेंट कितनी है आफ्टर गिविंग द रिवेल्युएशन प्रॉफिट तो रिवैल्युएशन का प्रॉफिट एक बार चेक कर लें क्रेडिट साइड हमारे पास है वन फाइव थाउजेंड और डेबिट साइड है थर्टी वन थाउजेंड तो हमें प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है वन लैक फाइव थाउजेंड में से थर्टी वन थाउजेंड माइनस कर देंगे ये आ जाएगा नाइन्टी फोर थाउजेंड सो एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट ये हमारे पास आएगा फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड और बी का हमारे पास आएगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चलिए इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं रिवैल्युएशन का प्रॉफिट फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चलिए अब हमारे पास एक लास्ट ट्रीटमेंट जो बचा है जो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट था वो है सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें वही स्टेप्स फॉलो करने सबसे पहले नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो तो हमने उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया स्टेप नंबर टू एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करो तो वो हम कर लेते हैं पार्टनर ए की ये जितनी भी अमाउंट है हम इसको प्लस करेंगे सो वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस फिफ्टी फोर हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये आ जाएगा थ्री लैख एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहां पर हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड का टोटल है थ्री लैख एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ऐसे ही जो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास है ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों वैल्यूज को ताकि पता लगे कि आखिर आखिरकार ए के पास कितनी कैपिटल है सो थ्री लैख एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ये आ जाएगा थ्री लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री लैख यहां पर हम लिख देते हैं बैलेंस कैरी कैरीडाउन थ्री लैख सिक्सेंड फोर एडजस्टेड कैपिटल है और ये मैं डायरेक्टली यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सी की कैपिटल को इन दोनों कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा यानी ए और बी की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा सिर्फ सी की कैपिटल अब हमें फाइंड आउट करनी है ऐसे ही हम बी के लिए भी करेंगे बी की क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड को हम माइनस करेंगे तो so डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूं ये हमारे पास आएगा थ्री लैख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड चलिए अब एडजस्टेड कैपिटल यानी स्टेप नंबर टू भी हमने फॉलो कर लिया स्टेप नंबर थ्री में हम इन दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो so चलिए यहां पर हम रफ वर्क कर लेते हैं ए और बी की कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल है वो हम ऐड कर देते हैं टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस थ्री लैख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो ये हमारे पास आ जाएगा सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल के साथ अब ये रिमेनिंग शेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है सो रिमेनिंग शेयर आपको पता है कि टोटल फॉर्म का शेयर ऑलवेज वन होता है इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर जो कि हमें क्वेश्चन में था, so ये सो था हमारे पास आ जाएगा सेवन बाई टेन हम इसका क्या कर देंगे यानी टेन ऊपर सेवन नीचे इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये क्या आ गई हमारे पास फर्म की कैपिटल टोटल फर्म की कैपिटल अब सी की कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है जो उसका शेयर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके यानी थ्री बाय टेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री लैख सिक्स थाउजेंड सो पार्टनर सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा थ्री लैख सिक्स थाउजेंड so सो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं बाय बैंक सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उजेंड सो यहां पर हम लिख देंगे थ्री लैख सिक्स थाउजेंड यहां पर लास्ट में आपको टोटल लिख देना है फाइनली अब हमारे पास बैंक बैलेंस फाइंड आउट करने का एक लास्ट ऑप्शन बचा है तो चलिए बैंक बैलेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में हमें हमारा बैंक बैलेंस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड गिवन था इसमें प्लस करेंगे वो अमाउंट जो पार्टनर एज अ गुडविल लेकर आया था पार्टनर so पूरी अमाउंट गुडविल में तो कैश में तो नहीं लेकर आया था वन लैखी फोर थाउजेंड वो कैश में यानी बैंक में लेकर आया था वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड इसमें हम प्लस करेंगे वो अमाउंट जो पार्टनर एज अ कैपिटल लेकर आ रहा थ्री लैख सिक्स थाउजेंड सो फाइनली बैंक बैलेंस हमारे पास आएगा सेवन लैख तो चलिए बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहां पर बैंक बैलेंस और यहां पर हम लिख देते हैं जो अब हमारे पास न्यू कैपिटल है सो so, एक की कैपिटल हमारे पास आई है थ्री लैख सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बी की कैपिटल हमारे पास आई है थ्री लैख फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और लास्ट में सी की कैपिटल जो अभी हमने कैलकुलेट की वो है थ्री लैख सिक्स थाउजेंड सो टोटल टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइनली जितनी अमाउंट हमारे पास है वो सारी हमने यहां पर लिख दिए इसको प्लस कर देंगे प्लस करने पे हमारे पास यहां पर टोटल आ रहा है थर्टीन लैख थाउजेंड और यहां पर भी जितनी भी अमाउंट हमारे पास है चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो इन्वेस्टमेंट हो सारी हमने लिख दी है इसको प्लस करने पे हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए चलिए सो यहां पर भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है दैट इज थर्टीन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने आपको कंप्लीट स्टेप्स बताए कि कैसे केस टू को एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कैपिटल एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग केस टू को किस तरह से सॉल्व किया जाता है लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा